तो ये सैमसंग A55 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और हम आउटडोर सिचुएशन में आए हैं इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए, फोटो वीडियो सेल्फी सारे सैंपल्स लेंगे, बिकॉज A55 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसके अंदर पीछे की साइड 3 कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। ऑल्दो आई विश इस प्राइस में टेलीफोटो कैमरा होता तो बेटर था, बट एनीवेज सारे कैमरा एक एक करके ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए स्किप करना चाहिए। तो अभी हम सैमसंग A55 से 4K वीडियो ये सैम्पल ले रहे हैं। 4K 30 हाईएस्ट रेजोल्यूशन अवेलेबल है, 1x पे है। तो अभी मैं थोड़ा सा शेड में था, अभी हल्का सा अब सनलाइट आनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इस तरीके से आउटडोर सिचुएशन में वीडियो शूट करने वाले हो तो कैसा एक्सपोजर कंट्रोल है इसका। और अगर ये साइड लाइट और बैक लाइक फ्रंट लाइट था, अगर हम बैक लाइट लेते हैं तो वो जिस तरीके से बैक लाइट रहेगा जहाँ पे सन मेरे एकदम पीछे है, आज स्काई क्लियर है, ऑलमोस्ट क्लियर है, तो गेट अ फेयर आइडिया कि स्काई कितना ब्लू आ रहा है, कितना डायनामिक रेंज रिकवर हो रहा है। एंड ये बैक लाइट सिचुएशन है, एक बार फिर से फ्रंट में देख लेते हैं कि कैसा एक्सपोजर A55 निकालता है, स्पेशली अगर आप डे टाइम में आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो। अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया और एक चीज़ अच्छा है, 4K में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, बट 30 FPS तक लिमिटेड है, 60 का ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल एक आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप 4K में अल्ट्रा वाइड में शूट करने वाले हो तो इस तरीके से कुछ सेम जगह पे ही हम, सेम लाइट कंडीशन है। अभी ये साइड लाइटिंग है, अगर हम बैक लाइट पे आ जाते हैं तो अभी ये प्रॉपर बैक लाइट है, तो ये A55 से अल्ट्रा वाइड में 4K वीडियो शूट हो रहा है, जस्ट टू चेक कि बैक लाइट का कैसा है। और अभी हम अगेन सुंदर नर्सरी आए हैं जहाँ पे आप देखो आसपास पूरे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ भी कुछ वीडियो और फोटो के सैंपल लेते हैं, लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है। तो अभी आपने वीडियो के कुछ सैंपल्स देखे होंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मुझे कैसा लगा आउटपुट। अब सबसे पहले अगर मैं 4K वीडियो की बात करूँ, आप 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो, फिर चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, 1x हो या 2x हो, अनलाइक अदर कॉम्पिटिटर्स जो इस प्राइस रेंज में, इससे कम रेंज में भी आपको 4K 60 का भी ऑप्शन देते हैं। तो अगर आपको 4K में स्लोमो वीडियो शूट करना है, आप A55 में नहीं कर सकते, वो एक इसमें कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट बन जाता है। तो ये मैं अभी सैमसंग A55 के फ्रंट कैमरा से ब्लॉक कर रहा हूँ बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि फ्रंट कैमरा कैसा है। 4K है ऑब्वियसली, 4K 30 FPS मिलता है, 60 का ऑप्शन नहीं है, तो ये एक आपको फिर आइडिया दे देगा। अभी अगर मैं बैक लाइट में जाता हूँ तो सन अभी एकदम मेरे सर के पीछे है, तो ये डायनामिक रेंज भी दिखा देगा कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। बाय द वे अभी काफ़ी वीडियो फोटो के सैंपल्स हमने लिए हैं, शाम के 5 बजने वाले, सनसेट थोड़ी देर में शुरू होगा, तो थोड़े लो लाइट के भी सैंपल लेते हैं एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। तो देखते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं। बस ये एक चीज़ है कि फ्रंट कैमरा में मुझे वाइड का कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये पूरे आर्म स्ट्रेच पे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हल्का वाइड होता तो आई थिंक थोड़ा बेटर ऑप्शन रहता, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, सबसे पहले फ्रंट कैमरा में आप 4K में शूट कर सकते हो, क्वालिटी मुझे ओवरऑल काफ़ी सही लगी एक्चुअली, एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, वीडियो देखने में काफ़ी सही लगती है। इवन अगर मैं बैकलाइट सिचुएशन में व्लॉग कर रहा था तो मुझे एक्सपोजर कंट्रोल काफ़ी अच्छा लगा, इवन ऑडियो फ्रंट कैमरा से काफ़ी सही है। तो अगर आप व्लॉग करने वाले हो फ्रंट कैमरा से तो बढ़िया आउटपुट आ जाएगा। रियर कैमरा पे चलते हैं, 4K क्वालिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। अब कलर्स यहाँ पे मुझे ओवरऑल कई सिचुएशंस में थोड़े मेजेंटा साइड पे लगे, कलर्स ऑल ओवर सही हैं, आपको ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं लगेंगे, ज़्यादा डल भी नहीं लगेंगे, बट मुझे कंसिस्टेंसी उतनी नहीं दिखी कलर्स में, कई बार थोड़े नेचुरल साइड पे हैं, कई बार अगर थोड़ा सन ज़्यादा आ जाता है तो कहीं ना कहीं मेजेंटा टोन में चले जाता है, स्पेशली जो हाईलाइट्स एरियाज़ हैं वो आपको देखने में हल्के से वार्म मेजेंटा टोन में दिखेंगे। उसके अलावा मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, सैमसंग A55 शेडोज़ को बहुत प्रायोरिटी दे रहा था, जिस वजह से जहाँ पे डार्क एरियाज़ भी है ना वहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन सही डिटेल मिलेगी। तो अगर आप ऐसा फ्रेम भी शूट कर रहे हो जहाँ डार्क एरियाज़ हैं ब्राइट एरियाज़ हैं, तो ये 55 मेक श्योर करेगा जो डार्क एरिया में डिटेल्स है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो। बट इसका डाउन साइड क्या हो जाता है, हाईलाइट्स को यह उतना बढ़िया कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिस वजह से स्काई में अगर आपको बढ़िया कलर्स दिख रहे हैं, बढ़िया क्लाउड्स हैं, तो शायद उतना बढ़िया से ये कैप्चर ना कर पाए। तो डायनामिक रेंज अच्छा है, शेडोज़ को प्रायोरिटी देता है, बट हाईलाइट्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो अभी एक इंटरेस्टिंग वीडियो का टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम लाइट से अंदर जाएंगे शेड में जहाँ अंधेरा होने वाला है, तो देखते हैं कि लाइट कैसे चेंज करते हैं। अभी अंदर बस थोड़ी बहुत साइड से लाइट आ रही होगी, आवाज़ थोड़ी एको होगी, बट ये एक आइडिया दे देगा कि लाइट कैसे एक्सपोजर कैसे शिफ्ट करता है, एंड इस तरीके से यू गेट अ फेयर आइडिया कि अभी हम इस जगह पे आए हैं जहाँ अंधेरा है, लाइट भी आ रही है, तो
एक बार थोड़ा सा पीछे आता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा वापस लाइट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एको थोड़ा कम होगा, बट एक डायनामिक रेंज का भी बढ़िया आइडिया लग जाएगा। तो अब हमने अल्ट्रा वाइड में भी हम एक सैंपल ले रहे हैं, वही सिचुएशन है, अंधेरा है थोड़ा सा, बट ये देखना भी ज़रूरी है कि इतनी लो लाइट में अल्ट्रा वाइड कैसे काम करता है। अगर हल्का सा हम पीछे चलते हैं, हल्की सी लाइट आनी शुरू होगी तो आवाज़ ऑब्वियसली एको होगी, उतनी बढ़िया ऑडियो आपको आएगी नहीं। बट अगर यहाँ से निकलते हैं तो वही है, डायनामिक रेंज, हाईलाइट शेडोज हैं, अल्ट्रा वाइड में कैसे आ रही हैं। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें इसमें ठीक हैं। अगर मैं एक्सपोजर चेंज की बात करूं, एक्सपोजर शिफ्ट जब हमने यहाँ पे टेस्ट किया कि एक वाइड एरिया से जब हम दूसरे फ्रेम में गए तो ये काफ़ी सही से एक्सपोजर मैनेज कर रहा है, डार्क टू हाईलाइट, हाईलाइट टू डार्क सही कंट्रोल कर लेता है। इवन अगर मैं फोकस डिस्टेंस की बात करूं, काफ़ी सही है, काफ़ी क्लोज जाके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये आपको ना बैकग्राउंड ब्लर जो है वो नेचुरल काफ़ी बढ़िया बोके देता है, जो देखने में भी आपको सही लगेगा। और स्टेबलाइजेशन आई वुड से इस रेंज में बहुत सही है, 4K में अगर आप 1x में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो चलते हुए, बहुत सही स्टेबलाइजेशन मिलेगा, एज इफ आप गिम्बल में फ़ोन लेके चल रहे हो। तो चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो चाहे 1x हो, स्टेबलाइजेशन पे सैमसंग ने बढ़िया काम किया है, आपको काफ़ी स्टेबल फुटेज मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, जो इसमें दूसरा कैमरा आपको मिलता है। पर्सनली मुझे अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोज़ उतनी बढ़िया नहीं लगी, बहुत सॉफ्ट है वीडियो, बहुत स्मूथ है, डिटेलिंग नहीं है, जबकि हमने जो सैंपल शूट किए एकदम भरी दोपहर में शूट करा था, स्टिल इसमें डिटेल लैग हो रही हैं। फोकस इशू एक बहुत बड़ा इशू है अल्ट्रा वाइड में, उसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा पास जाके फोकस नहीं कर पाओगे, आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा एक एरिया पे फोकस करने के लिए, और वो अल्ट्रा वाइड कैमराज में आज के टाइम में नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। अल्ट्रा वाइड से आप काफ़ी पास जाके भी शूट कर पाते हो इस प्राइस रेंज में, बट A55 में वो एक दिक्कत मुझे लगी, एजेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। तो अल्ट्रा वाइड में ऑल दो आप वीडियो 4K में ये देख रहे होगे, बट क्वालिटी ऐसे लगेगी कि 1080p है, बिकॉज रेजोल्यूशन बहुत बेकार है, वीडियो बहुत सॉफ्ट है। मुझे ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड इतना बढ़िया नहीं लगा, इवन कलर्स जो हैं वो 1x से काफ़ी डिफरेंट आते हैं। तो अब हम लो लाइट परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं वीडियो में, यहाँ आप सैम्पल्स देखोगे, लो लाइट भी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, ऑल ओवर प्रोसेसिंग बहुत सॉफ्ट है, वीडियोस आपको उतनी शार्प नहीं दिखेंगी, स्मूथ हैं, डिटेलिंग उतनी बढ़िया नहीं है, शेडोज़ को ये अच्छे से एक्सपोज करता है। भाई कई बार क्या होगा, जब आप लो लाइट में शूट कर रहे हो ना, डार्क एरियाज़ को इतना ब्राइट कर देगा कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो एक सेफ कॉन्ट्रास्ट मेंटेन होना चाहिए वो ये फ़ोन नहीं करता। तो प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वाइट बैलेंस कंसिस्टेंट नहीं है, एकदम से वाइट बैलेंस शिफ्ट करता रहेगा, एक्सपोजर कभी ऊपर नीचे थोड़ा सा ये कर देगा। सिर्फ स्टेबलाइजेशन लो लाइट में अच्छी है, उसके अलावा प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है, वीडियो बहुत सॉफ्ट आती हैं, कलर्स वाइट बैलेंस का मेजर इशू है। अगर आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हो लो लाइट में तो और ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, बेसिकली वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, नॉइज़ बहुत देखने को मिलेगा, कलर्स उतने बढ़िया नहीं हैं। तो आई वुड से लो लाइट ऑल टुगेदर, चाहे 1x हो या अल्ट्रा वाइड हो, मुझे उतना खास आउटपुट नहीं लगा। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफी की, तो पीछे की साइड आपको 3 कैमराज मिलते हैं, आप अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो ले सकते हो 1x में एंड 2x में, या अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे 1x 2x का आपको सेम कलर दिखेगा, बट अल्ट्रा वाइड में आपको कलर शिफ्ट दिखेगा, उसकी बात मैं आगे जाके करूँगा। तो पहले 1x प्राइमरी कैमरा के आउटपुट की बात कर लेते हैं, ऑल ओवर मुझे काफ़ी सही आउटपुट लगा, फोटो शार्प हैं, डिटेल्ड हैं, डायनामिक रेंज में बस मुझे ऐसा लगा कि इनकंसिस्टेंसी है, कई बार हाईलाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है, कई बार ये क्या करेगा, जो स्काई का एरिया है उसको थोड़ा ब्राइट रखेगा, उतने अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज A55 में शेडोज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, जिस वजह से आपको डार्क एरियाज़ में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट उस वजह से कई बार हाईलाइट्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अदरवाइज़ चीज़ें मुझे सही लगी, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, बहुत डल भी नहीं है, काफ़ी नेचुरल साइड पे हैं, जो आप रेडी टू यूज़ फॉर सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। क्लोज फोकस डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पास जाके आप इस तरीके से फ्लावर्स की या कोई भी ऑब्जेक्ट जिनका आप क्लोज़अप फोटो लेना चाहते हो आप बढ़िया से ले सकते हो, बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा जो देखने में भी नेचुरल लगता है। उसके अलावा हमने बैकलाइट सिचुएशन में भी फोटोज़ लिए हैं, काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड को एनालाइज करता है, हाईलाइट एरिया को कंट्रोल बढ़िया से कर लेगा, तो बैकलाइट में भी आपको सही डिटेल, सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इवन स्किन टोन काफ़ी सही से कैप्चर करते हैं। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट ज़्यादा शूट करने वाले हो तो नेचुरल साइड पे स्किन टोन रहेगा, फेस पे प्रोसेसिंग अच्छी होगी,
बस मुझे ऐसा लगा कि जब शाम के टाइम हम फोटोज़ ले रहे थे, हल्का सनसेट होना शुरू हुआ तो मेजेंटा टोन आना शुरू हो गया, जो वीडियो में भी दिक्कत थी फोटोज़ में भी है, ऑल ओवर जो वाइट बैलेंस है वो मेजेंटा साइड पे चले जाते हैं, अगेन वो नेचुरल लुक एंड फील और वो वाइब आपको नहीं देता। अब आप इस फ़ोन से 2x में भी जाके फोटोज़ ले सकते हो, यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूंगा। एक चीज़ अच्छा है कि 2x में डिटेल अच्छी है और आपको डेप्थ अच्छा मिलता है, तो जो बैकग्राउंड ब्लर है, जो कंप्रेशन है, वो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और 2x में जाके अगर आप फोटोज़ ले भी रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिजिटल जूम हो रहा है, ऑल्दो ये डिजिटल जूम है बट देखने में आपको फोटोज़ बढ़िया शार्प और यूजेबल फोटोज मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, तो फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा बट अगेन वही चीज जो वीडियो में दिक्कत थी, फोटोज सॉफ्ट हैं, एजेस सॉफ्ट हैं, ऑल ओवर जो आउटपुट आपको मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक 40,000 के फ़ोन से, वो इस फ़ोन में नहीं है। बहुत ही एवरेज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, आई वुड से मैं इसको इजीली 20-25,000 के फ़ोन में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है उससे कंपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज डिटेलिंग मिसिंग है, फोकस डिस्टेंस का इशू है, वही वीडियो में जो दिक्कत थी कि आप अगर थोड़ा पास जाके अल्ट्रा वाइड से फोटो लेना चाहोगे वो चीज़ फोकस में नहीं आएगी, बैकग्राउंड फोकस में आ जाएगा। स्काई भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता है, जिस वजह से स्काई जितना ब्लू नहीं है उतना ब्लू आपको दिखाएगा, जो देखने में वो नेचुरल लुक एंड फील नहीं देता। कॉन्ट्रास्ट हायर साइड पे है, कलर डिफरेंस है, जो मैंने आपको शुरू में देखे बोला था इशू है। 1x अल्ट्रा वाइट की अगर आप फोटो साइड बाय साइड देखोगे, अल्ट्रा वाइट के कलर्स बहुत ऑफ हैं, स्पेशली अगर आप ये फ्लावर वाले एग्जांपल देखोगे। तो मुझे ऐसा लगता है 40,000 के प्राइस में प्राइमरी कैमरा इन्होंने अच्छा दिया बट अल्ट्रा वाइट कैमरा बहुत एवरेज है। तीसरे कैमरा की बात कर लेते हैं जो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। अब मुझे ऐसा लगता है इसकी जगह सैमसंग टेलीफोटो दे सकता था, जैसे और वीवो है वो 2x टेलीफोटो दे रहा है, बिकॉज मैक्रो आई डोंट थिंक इतने लोग यूज़ करते हैं। एनीवे अगर आप मैक्रो शूटर हो तो एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है, बिकॉज 5 मेगापिक्सल में आप इस तरीके से काफ़ी शार्प, काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी अच्छे कलर्स वाली मैक्रो फोटो ले सकते हो। तो वही चीज़ है, अगर आपका शूटिंग स्टाइल ऐसा है कि आप क्लोजअप या मैक्रो ज़्यादा लेने वाले हो तो ये 55 आपको बढ़िया आउटपुट दे देगा। देन कमिंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, अब पोर्ट्रेट मोड के आप यहाँ कुछ सैम्पल्स भी देख सकते हो, मुझे ऑल ओवर अच्छा लगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग अच्छी है, एज डिटेक्शन अच्छा है, इवन जो स्किन टोन है, जो कलर्स हैं, उसको ये अच्छे से मेंटेन करता है। बिकॉज पोर्ट्रेट मोड पे कई बार क्या होता है, जब आप बैकलाइट सिचुएशन में या बैकग्राउंड जब आपका बहुत ब्राइट होता है तो उतना बढ़िया प्रोसेसिंग नहीं हो पाता, सब्जेक्ट डार्क हो जाता है। बट A55 काफ़ी अच्छे से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा है, डिटेल अच्छी दे रहा है, एक्सपोजर अच्छा दे रहा है, कलर्स अच्छे मेंटेन कर रहा है, इवन जो एज डिटेक्शन है वो बढ़िया है, आई वुड सजेस्ट। और एक चीज़ अच्छा है कि ऑल्दो इसमें 2x टेलीफोटो कैमरा नहीं है, आपको पोर्ट्रेट में 2x का मोड मिलता है, जिसको आप यूज़ करके बेटर कंप्रेशन के साथ, बेटर ब्लर इफेक्ट के साथ फोटोज़ ले सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा पोर्ट्रेट लेने वाले हो, 2x मोड इज़ समथिंग जो आप ज़्यादा यूज़ करोगे, बिकॉज उसमें एज डिटेक्शन भी अच्छा है और देखने में फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, डिटेल बढ़िया है। अब जैसे कि इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं फोटोज़ लेता, आपको सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड वर्सेस 50 मेगापिक्सल का आउटपुट देखते हैं, जूम करने पे प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से करा है सैमसंग ने, कहीं भी आपको ऐसा डिफरेंस नहीं दिखेगा, डिटेल अच्छा है, फोटो आपको देखने में ओवर शार्पन नहीं लगेगी, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है जब आप हाई मेगापिक्सल पे शूट करते हो, ताकि आप एडिट करके अपने हिसाब से डिटेलिंग एडजस्ट कर सको। लास्ट में अगर मैं लोलाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ, पर्सनली मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, यहाँ आप कुछ सैम्पल्स देख सकते हो। डायनामिक रेंज सबसे मेजर इशू मुझे लगा, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, शैडोज़ में ये डिटेल लाता है बट कई बार बहुत ज़्यादा ले आता है, जिस वजह से नॉइज़ बहुत देखने को मिलती है। ऑल ओवर जो कलर्स हैं, जो लुक एंड फील है, मुझे वही 20-25,000 फ़ोन वाली लगी लो लाइट में, जैसे वीडियो में दिक्कत थी। तो लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड में गलती से स्विच कर जाते हो तो और ही ज़्यादा पुअर आउटपुट हो जाएगा, बहुत पिक्सेलेटेड फोटोज़ हैं, प्रोसेसिंग अच्छा नहीं मिलेगा आपको, डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है, फोटोज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आएंगी। तो अगर मैं सैमसंग A55 की बात करूँ ना, पहले मैं इश्यूज़ की बात करता हूँ, लो लाइट चाहे फोटो में वीडियो मुझे बढ़िया नहीं लगा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, जो मैंने बोला इसके आधे प्राइस रेंज में जब आप जाओगे तब वैसा आउटपुट आपको मिलता है। तो आई वुड से अगर आप वीडियो 4K में ज़्यादा शूट करने वाले हो, डे टाइम में फोटोज़ ज़्यादा लेने वाले हो, प्राइमरी कैमरा बहुत बढ़िया है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा काफ़ी बढ़िया है, पोर्ट्रेट मोड अच्छा है, इवन फ्रंट कैमरा से वीडियो काफ़ी बढ़िया आती हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए कैमरा फ़ोन है, एक नॉर्मल यूज़र के लिए मुझे नहीं लगता उतना बढ़िया ऑप्शन है। एनीवेज इसके कंपैरिजन बहुत जल्दी आने वाले हैं विद OnePlus 12R, विद Vivo 30 Pro, अगर किसी और के साथ कंपैरिजन चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।